नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आने वाला कल। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम आने वाला कल में आपका बहुत स्वागत है। कैसा रहेगा आपका साप्ताहिक भविष्य, कौन सा रंग है आपके लिए शुभ और कौन सा वो उपाय है जो खोलेगा आपकी किस्मत, यानी कि आपकी किस्मत की चाबी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिषाचार्य पी खुराना जी, जो बताएंगे सप्ताह का पूरा लेखा जोखा। तो सबसे पहले ज्योतिषाचार्य पी खुराना जी, आपका बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को भी बेसब्री से इंतजार होता है, खासकर आज का, जब आप उनके भविष्य की बातें उनको बताते हैं। जी नमस्कार, मैं हूं आचार्य पी खुराना और आने वाला कल का इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। और आपको मैं एक बता रहा हूं कि ऐसा कौन सा शुभ समाचार है जो इस सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। उसमें पहली बात तो यह है कि ज्ञान सूत्र में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी मनोकामना ज्येष्ठ पूर्णमासी के शुभ अवसर पर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, कई बार आप देखते हैं घर में बच्चों से लेकर बड़े तक ताश चल रही है, जुआ खेल रहे हैं, लॉटरी की बात कर रहे हैं, किट्टी की बाल्टी की बात कर रहे हैं, धन का आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन आपको अपने जीवन में सुख ही नहीं मिलता। वास्तु के अनुसार आपकी कौन सी दिशा जो ठीक नहीं है, जो आपके घर में इस प्रकार की समस्याएं बार बार ला रही है। और एक बात और, साप्ताहिक भविष्य में आपको बताने वाले हैं कि एक विशेष व्यक्ति आपकी जिंदगी में कमाल कर सकता है, एक विशेष रंग, और इसके साथ आपकी महबूबा अगर आपसे नाराज है, आपकी पत्नी आपसे नाराज है, या आपको लगता है कि आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, बार बार प्रयास करते हैं लेकिन तो भी शादी का योग नहीं बनता, आप इतने प्रतिभाशाली हैं लेकिन तो भी आप जब भी ऑडिशन के लिए जाते हैं तो आप कभी एक्टर नहीं बन सकते, आप मॉडल नहीं बन सकते, आप एंकर नहीं बन सकते। किसी प्रकार की भी समस्या जो आपके जीवन में आती है उसकी हम कुछ उस प्रकार के सूत्र, उस प्रकार की समस्याएं आपके समक्ष रखेंगे और उनका उत्तर भी देंगे। लेकिन इसके साथ एक बात और बता दें, चलते चलते आज हम अपने इस प्रोग्राम में इस सप्ताह का ऐसा कौन सा मंत्र है जो आपको सुख समृद्धि और शांति आपके साथ ला सकता है, इस बात की भी हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल, तो आज चर्चा होगी आपके पूरे साप्ताहिक भविष्य की। 12 राशियों के बारे में हम बात करेंगे पी खुराना जी, और बताएंगे कि पूरी 12 राशियों का साप्ताहिक भविष्य क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं, अपने इस खास कार्यक्रम की आगाज करते हैं, और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। जी, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। बड़ी मुद्दत से आपके दिलो दिमाग के ऊपर एक बात छाई हुई है कि प्रॉपर्टी का समय नहीं है, कभी पैसा नहीं है, कभी आपके लोग आपके विरुद्ध हो जाते हैं कि मैं इन्वेस्ट करूं या ना करूं। लेकिन इस सप्ताह हम आपको कहते हैं क्या करिए, सोमवार के दिन आपका दिन इतना कमाल का है कि प्रॉपर्टी की खरीदो फोकट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, आप अवश्य कीजिए। लेकिन मेघ राशि वाले इस सप्ताह क्या ना करें, अक्सर आपका जो राशि का स्वामी मंगल है, चटपटे खाने में आपको बड़ा आनंद आता है, बार का खाना खाने में आनंद आता है, लेकिन इस बार हमारी बात मान लीजिए, बार का खाना परहेज करिए, इस सप्ताह ये नहीं करना, वरना आपके स्वास्थ्य में कोई ना कोई समस्या होगी। इसके अलावा कोई काम अगर आपका रुक गया है तो ऐसे व्यक्ति से मदद मांगिए। दो व्यक्ति हैं, तुला राशि का, मकर राशि का, रिश्ता कोई भी हो, वो व्यक्ति आपकी मदद अवश्य करेगा। और इस सप्ताह किस्मत की चाबी कैसे खुलेगी सुनिए, एक पान का पत्ता लेकर उसके ऊपर आपने ओम लिख देना है, और ओम लिखने के बाद आपने धर्म स्थान पर उसको रख दीजिए। और शुभ रंग अब सप्ताह का आपका लाल है, ऐसा भी हो सकता है पान के पत्ते के ऊपर आप अपने हिसाब से किसी भी ऐसे गुरु का जिस धर्म से आप मिलते जुलते हैं उसका नाम लिखकर भी आप अपने पास रख सकते हैं, तो भी आपकी किस्मत कमाल होने वाली है। बिल्कुल, तो मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उन्हें बेहद अहम जानकारियां मिली हैं कि पूरे सप्ताह उनके लिए कैसा रहने वाला है, वो क्या करें और क्या ना करें।
खुराना जी, हम वृष राशि की ओर रुख करें उससे पहले एक सवाल मेरे मन में भी, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि रंगों का हमारी जिंदगी पर किस तरीके से असर पड़ता है। हाँ। जैसे आपने अभी बताया कि लाल रंग का प्रयोग करें सप्ताह शुभ होगा, ये किस तरीके से काम करते हैं और क्या पर्टिकुलर किसी इंसान को रंगों का ख्याल रखना चाहिए? हाँ, देखिए ऐसा है, अब तो हमारी जो साइंस है इतनी ज्यादा तरक्की कर गई, प्रोग्रेस कर गई है कि जब भी आंख का ऑपरेशन होता है तो 10 मिनट में ऑपरेशन हो जाता है आंख का। आज से कुछ साल पहले जब किसी की आंख का ऑपरेशन होता था तो हरे रंग की पट्टी उसके आंख के ऊपर बांधी जाती थी। इसका मतलब क्या हुआ? एक बात तो तय है कि एक विशेष रंग एक विशेष बात के लिए आपके जीवन के ऊपर असर कर रहा है, और हर रंग का संबंध एक ग्रह के साथ है। और हर जो राशि की बात करते हैं, जैसे अभी हम वृक्ष राशि बात करेंगे, इसका भी अपना एक रंग है, इसका भी अपना ग्रह है। 12 की 12 राशियों में इसका हर एक राशि का एक खास रंग है। अगर उस रंग को आप डाल लें तो अगला व्यक्ति आपके रंग में रंग जाएगा और आपकी बात मानेगा, बिकॉज वो आपका लक्की कलर है। दूसरी बात क्या है, बड़ी बार ऐसा होता है मुझे लाल रंग नहीं पसंद, मैं काला रंग डालती हूं या डालता हूं मुझे नजर लग जाती है। कुछ लोगों की ये भावना नहीं है, ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में अकॉर्डिंग टू द हॉरोस्कोप लोगों के दिमाग में एक भ्रम है, लेकिन रंग आपके जीवन में असर जरूर करता है। इसीलिए हर सप्ताह इस सप्ताह रंग कौन सा आपके लिए अच्छा होगा उसकी हम चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं वृष राशि की। बिल्कुल, वृष राशि की हम बात करेंगे और साथ ही साथ वृष राशि वालों को भी ये बताएंगे कि उनके लिए पूरा सप्ताह कैसा रहेगा। जी, वृक राशि की बात करते हैं। वृक राशि वाले इस सप्ताह क्या करें? पहली बात क्या है, वैसे तो आप मानकर चलिए कि आप आमदनी अठनी और खर्चा रुपया इसमें बिलीव करते हैं, यू आर स्पेंड थ्रिफ्ट, लेकिन मंगलवार को अचानक धन आप मत गंवाइएगा। कोई ऐसा व्यक्ति खामुखा आपकी मदद के बहाने आपसे पैसा ले जा सकता है, लेकिन वृक्ष राशि वाले इस सप्ताह क्या ना करें, बुधवार को लंबी या दूर की यात्रा मत कीजिएगा। उसमें क्या होगा, आपकी हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है, मूड आपका खराब हो सकता है, छोटी सी बात मान लीजिए, लेकिन अगर आप किसी दुविधा में हैं मैं ये करूं या ना करूं, तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आपके जीवन में मदद करेगा? वृक्ष राशि वालों के लिए आप ऐसे व्यक्ति की मदद मांगिए जो आपके मित्र हैं, जिसको आप मित्र समझते हैं वो आपकी बिल्कुल मदद करेंगे, लेकिन किस्मत की चाबी किसके पास है? एक काम कीजिए, मैजिक नंबर 101 लिखकर लक्ष्मी जी के चरणों में अगर आप अर्पित करते हैं धन की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। और शुभ रंग इस सप्ताह का नीला रंग, अगर आप अपने शरीर के ऊपर इसका वस्त्र डालते हैं या रुमाल रख लेते हैं, चुनरी डाल लेते हैं, चूड़ियां डाल लेते हैं कन्याएं, तो नीला रंग आपके जीवन में कमाल कर सकता है। बिल्कुल, तो वृष राशि वालों को बेहद अहम जानकारियां दी हैं पी खुराना जी ने कि कैसे आप अपने पूरे सप्ताह को शुभ, सुंदर, वैभवशाली बना सकते हैं। और अगली राशि है हमारी मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों को क्या करना है और क्या नहीं, आइए ये जान लेते हैं। जी, अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आप अभी तक जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं आपको लोग रिजेक्ट कर देते हैं या आप वक्त पे नहीं पहुंचते कभी कभी, लेकिन मिथुन राशि वालों के लिए आपकी राशि का स्वामी बुध है, तो सोमवार या बुधवार के दिन अगर आप अपनी नौकरी के लिए आवेदन पत्र देते हैं तो समझो कि आपकी सिलेक्शन पक्की। मगर मिथुन राशि वालों को इस सप्ताह क्या नहीं करना, ये समझिए कि शुक्रवार को कोई भी नया व्यवसाय की बात करते हैं, नए रिश्ते की बात करते हैं या आप नई मित्रता की बात करते हैं, इसको थोड़ी दूरी बनाए रखिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति आपके जीवन में इस सप्ताह आएगा, अरे कुछ ना कुछ उसका मतलब होगा। तो हम आपको पहले ही चेतावनी दे रहे हैं, रिश्ते बनाइए मगर सोच कर समझ कर, और ऐसा कौन सा व्यक्ति इस सप्ताह आपकी मदद करेगा। कोई भी महिला सहकर्मचारी या आपका रिश्तेदार कोई हो जो महिला हो, वो आपकी मदद करेंगे अगर आप किसी समस्या में हैं तो। लेकिन किस्मत की चाबी इस सप्ताह कौन खोल सकता है, दुविधा में फंस गए,
ना इधर के ना उधर के हैं, तो एक ऐसा व्यक्ति हम आपको नाम बता रहे हैं, स्क्रीन पे देखिए, ऐसा व्यक्ति जिसका नाम शुरू होता है एम से या टी से, आपके ऊपर वो जान छिड़क सकता है, आप उनसे मदद मांगिए। इसके साथ इस सप्ताह का शुभ रंग क्या है वो आप बताइए। सुनिए, सफेद रंग अगर आप इस सप्ताह अपने वस्त्र डालते हैं, सफेद रंग का चंदन लगाते हैं, तो आपकी किस्मत खुलने वाली है। गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल, तो मिथुन राशि के जातकों ने भी अहम जानकारियां पाई हैं कि कैसे है। पूरा सप्ताह उनका शुभ रह सकता है। खुराना जी, हम आगे बढ़े कर्क राशि की ओर बढ़े, इससे पहले एक और अहम सवाल है जो कई बार हमारे दर्शकों ने हमें मेल किया है और हमसे पूछा है, और कई बार इस तरह के सवाल आते हैं कि कई बार सब कुछ अच्छा चलता है जिंदगी में, ग्रह दशा भी ऐसा लगता है कि हमारे अनुकूल है, लेकिन अचानक से कोई विघ्न आ जाता है, उसके बाद सब कुछ उस पर पानी फिर जाता है। ये स्थिति कैसे उत्पन्न होती है, और अगर ऐसा होता है यानी कि सब कुछ अच्छा चलने के दौरान एक पर्टिकुलर किसी पर्सन के या किसी वजह से विघ्न उत्पन्न होता है आपके पूरे सफल जीवन में, तो उसको कैसे आप हैंडल करें? देखिए, इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक बच्चा है, बड़ा प्रतिभाशाली है, आउटस्टैंडिंगली इंटेलिजेंट है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाता है, पेन खोलता है, लिखने के लिए बैठता है, ऊपर से एक मधुमक्खी आती है, उसके हाथ पे काट के निकल जाती है। अब बताओ, इसमें बेशक विद्वान से विद्वान ये बोले कि कर्म ही पूजा है, सब कुछ कमाल है, उस बच्चे के कर्म में तो कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी मधुमक्खी आके काट गई, वो एग्जाम नहीं दे पाया। इस प्रकार की रुकावटें, जब आप बस स्टैंड पे बाहर आते हो तो कोई व्यक्ति आपका पर्स छीन के चला जाता है, आप घर के लिए निकलते हो तो आपको कहीं ना कहीं रुकावट हो जाती है, या आप बस मिस कर देते हो, आप गाड़ी में बैठते हो उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है, अचानक विघ्न जिसकी इन्होंने चर्चा की है। विघ्न का कारक राहु है और केतु है। जब भी इस प्रकार की बात हो तो इसके लिए अक्सर हम हर व्यक्ति को बात बोलते हैं, जब भी किसी खास विशेष कार्य के लिए घर से निकले, अपना दैना पांव पहले निकालिए, इसके साथ ओम रा रहवे नमा इस मंत्र का जाप कीजिए, और सबसे बड़ी बात क्या है, रुकावट आपको कभी नहीं आएगी। क्या बात है वो, जब राहु की बात करते हैं तो आपके घर में काम करने वाला जो सर्वेंट है, आपका ड्राइवर है, आपका मान लीजिए कि आपके घर में कोई मेड काम करती है, तो वो एक अपने अपने राहु का कारक है, बिकॉज राहु एक अपने आप को कहता है, वो व्यक्ति जो अपनी मजदूरी से अपने दिन को चलाता है उसको नाराज मत कीजिएगा। अगर उसको नाराज करते हैं तो कहीं ना कहीं समझिए कि राहु आपका नेष्ट है और आपके कार्य में बाधा आएगी। बेहद अहम जानकारी दी है, क्योंकि ये मुझे लगता है सभी की जिंदगी में होता है, और जैसा कि आपने बताया कि शुरुआत दिन की दाहिना पैर निकाल के और इस मंत्र के उच्चारण के साथ करें तो दिन सुंदर जाता है, और राहु केतु जिससे सभी डरते हैं उनका खतरा टलता जी, है। जी, जी। बेहद सुंदर जानकारियां आपने दी हैं, और अब कर्क राशि की ओर रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आपके माध्यम से कि उनका सप्ताह कैसा रहेगा। जी, कर्क राशि वाले, कर्क राशि वाले अक्सर क्या करते हैं, बिना सोचे समझे, कर्क राशि का स्वामी चंद्र है, बिना सोचे समझे फैसला एकदम कर लेंगे, कोई मशवरा नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। लेकिन आपको एक बात कहना चाहता हूं, बुधवार के दिन, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी चंद्र है, मन की बात मानते हैं, लोगों की बात नहीं मानते, तो बुधवार के दिन आपने कोई भी अहम फैसला अपने जीवन का नहीं करना, वरना पछताना पड़ेगा। मगर क्या ना करें, आप गुरुवार को अगर किसी साक्षात पर जाते हैं, इंटरव्यू पे जाते हैं, कंपटीशन में जाते हैं, तो कोशिश कीजिए काले पेन का इस्तेमाल मत कीजिए, आपकी राशि का स्वामी चंद्र है और काला पेन अपने अपने शनि का प्रतीक है, चंद्र और शनि आपस में मित्र नहीं है। कौन व्यक्ति आपकी मदद करेगा, ऐसा व्यक्ति जिसकी राशि मेष है या वृश्चिक है, ये आपको बेपनाह मोहब्बत करते हैं, अपनी बात इनके सामने जवाब रखेंगे, मना नहीं होगा, और किस्मत की चाबी कौन खोलेगा। बड़ा एक आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं, इस सप्ताह क्या करेंगे, मौली लेकर उसके ऊपर चार गांठें लगाइए, लाल रंग की डोरी हो या मौली हो, चार रंग की गांठें लगाकर आप दाहिनी कलाई में आप खुद बांधिए, या माता से बंधवाइए, पत्नी से बंधवाइए, या पति से बंधवाइए, यह किस्मत की चाबी आपको खोलने वाला है,
इस जहां से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। हमारा इस ये प्रोग्राम आपको क्या कहता है, अरे सुनो मेरी वाणी को इस प्रोग्राम के जरिए और शुभ रंग ग्रे डालिए, फिर देखिए आपके आगे आपकी अपॉर्चुनिटीज कितनी मिलती हैं। रास्ता वही है, मंजिल वही है, सब कुछ वही है, लेकिन उसके बाद यात्री भी वही है, लेकिन उसी रोड के ऊपर उसी मोड़ के ऊपर कोई व्यक्ति को कुछ मिल जाता है, कुछ खो जाते हैं। हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए आपको बताते हैं कि कुछ भी मिल सकता है। गॉड ब्लेस यू।